ऐसा देश वैसा भेष देख कर ये आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आगाह किया था, सरकार किसान आंदोलन को जानबूझकर लंबा खींचना चाहती है, क्योंकि सरकार समझती है कि कभी काम का सीजन आएगा, कभी मौसम बदलेगा, कभी लोग आपस में टकरेंगे, क्योंकि तंग होकर जो आसपास के लोग हैं, जो बॉर्डर के नजदीक वाले सीमावर्ती गांव हैं, वहां उनका तो कसूतानी आनी है, उनका कसूता होगी तो वो तिलमिलाओगे और इन में फिर आके बखेड़े खड़े करेंगे। तो अब कुंडली बॉर्डर पर वहां के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जो बॉर्डरों के नजदीक गांव के हैं, उनके रास्ते बंद हो गए। तो 6 महीने से ज्यादा समय हो चुके, अलग वो 7 महीने हो जाएंगे अब। तो वहां उन लोगों ने ये कहा है, भाई हमारा तो यहां जीना ही आराम हो गया। तो उनने मांगा कम से कम 40 फुट रास्ता दो। तो अब देखना है, किसान इस बारे में अभी तक कोई खास जवाब किसानों का आया नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण हैं उनमें भी किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, दूधिये भी हैं, और रोजमर्रा के जो व्यापार करनी है लोग हैं, या दूध का कारोबार करनी है, या फल सब्जियां ले जाने वाले लोग हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। और है भी वाजिब बात, क्योंकि जिसने रोज जाना है वो घूम के जाता है दूर से, तेल भी ज्यादा जलेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो कसूत तो उनका भी आ रही है। लेकिन किसानों की भी मजबूरी है, अभी रास्ता तो उन्होंने दे रखा है, लेकिन ये कहते हैं ना काफी है, रोड खोलो। तो इसमें हो सकता कोई प्रशासन का भी हाथ हो कि भाई इन लोगों को उकसाओ, ताकि आपस में भिड़के न ये मामला या इनका डावाडोल हो जाए। लेकिन अभी देखना है, प्रशासन काफी कोशिश कर रहा है। राय के जो ललित शिवाच हैं डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने अब मध्यस्थता की है कि भाई ये इस मामले को निपटा लें, लेकिन अभी तक ये मामला सिरे नहीं चढ़ पाया है। अभी हो सकता है दोबारा फिर मीटिंग हो, किसान नेताओं को बुलाया था, और गांव के जो पंचायत थी वहां भी एक दो बार पहले भी वो हो चुके हैं, और कई गांव में यहां ऐसा है, ये 13-14 गांव हैं, उन्होंने कहा है पूरा रास्ता बंद है, इसको खोल दो। तो वो देखो, ये प्रशासनिक अधिकारी गांव के बीच ये मध्यस्थता करने के लिए प्रशासन ने भी पूरी कोशिश कर रखी है। उनने भी कहा है भाई हम गांव के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक तरफ किसानों का आंदोलन चला हुआ है, दूसरी तरफ जीटी रोड पर 40 फुट का रास्ता उन्होंने मांग लिया है। तो आंदोलनकारियों ने रास्ता खोलने पर स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं दिया है, और ग्रामीणों ने भी ऐलान कर दिया कि 4 दिन में या तो 40 फुट रास्ता खोल दो, नहीं तो जाट्टी कलां गांव की जो महापंचायत है उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। और इसमें जो डिप्टी कमिश्नर हैं वहां के सोनीपत के ललित शिवाच जी, वो कोशिश कर रहे हैं भाई इसकी मध्यस्थता करके और किसी तरह इनको यहीं निपटा दिया जाए। सिरसा गांव के पूर्व पंच रामनिवास पर जो हमला किया गया था, उसमें 14 गांव ग्रामीण रास्ता खुलवाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहां कई बार झड़प हो चुकी है छोटी मोटी। तो ये पीछे से भी एक बार पंचायत भी हुई थी, और डीसी साहब ने वहां, और एसपी जो जसनदीप सिंह रणदावा है, एसडीएम है शशि वसुंधरा, वो राय रेस्ट हाउस में पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने किसान आंदोलन के जो नेता हैं दर्शनपाल सिंह, हरमेंद्र सिंह, अभिमन्यु कुहाड़, सतनाम सिंह, और दूसरे पक्ष की तरफ से तार सिंह चौहान, जसबीर सिंह, चरण सिंह चौहान, मोनू प्रधान, हेमंत नांदल और जयराम पंडित जी आदि ये पहुंच गए थे। तो उनकी मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया मामला ये। और ग्रामीणों ने यह भी कहा है भाई ये हमले भी बंद कर दिए जाएं, क्योंकि उनके कोई न कोई पिटके आ जाए रोज, तो पंगा वो भी नहीं लेना चाहते। और इनको है भाई हमारी खेती भी चौपट होगी, 20 किलोमीटर घूमना पड़ा है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार तो चाहती यह है कि ये आपस में भिड़े और कहीं ना कहीं आंदोलन पर ठेस आए। तो अब देखो क्या होता है, डीसीएसपी आंदोलन में कह रहे हैं भाई हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, हर कानून व्यवस्था बनाए रखनी पड़ेगी, और जो कानून की अनुपालना नहीं करेगा उसका
समाधान फिर कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। और इसी प्रकार पानीपत के विधायकों का जो विरोध किया था उसमें BKU चढ़ोनी गुट के जो सुधीर जाखड़ है के किसान नेता, उसने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ बयान दे दिया था और कह दिया था भाई यहाँ विधायक कोई सरकारी फंक्शन ना करें, अगर वो करेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। और यहाँ तक भी कह बताया गया कि भाई उनके टांग वहां तोड़ दो जो भी MLA अड़ा हुआ है। तो उस बात पर उनके खिलाफ और 75 अन्य के खिलाफ 4-5 वो थे, तो करीब 80 किसानों पर ये एक मुकदमा दर्ज होया है। तो पानीपत जिले की यह खबर है, इशराना का जो विधायक था उसका। तो इसमें दो विधायक थे जिनका इन्होंने बायकॉट किया, जिसमें विधायक प्रमोद विज और रामकुमार कश्यप। तो इन्होंने एक ब्राह्मण माजरा में काना टेक्सटाइल का उद्घाटन करना था, तो उसमें जो भी बात हुई उसके बारे में ये 80 के साथ मुकदमा दर्ज हो गया। और गांव वाले अब तो कह रहे हैं हाथ जोड़ के हम रास्ता मांगा, हाँ कि किसी भी तरह से मारा भी मारका नहीं भी देख लो, सरकार नहीं देखती तो हम तो किसान होता हम सोच लो कुछ है। लेकिन वो अभी श्रेय चढ़ नहीं पा रही बात है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सरकार लंबा खींचने का फिराक में है, और मैंने पहले ही बताया था कि सरकार का लंबा खींचने का एक ही कारण हो सकता है, सरकार चाहती है कहीं न कहीं ये किसान तंग होकर अपने आप ही इसे मट्टा मेट होकर ये सौदा कर लेंगे और प्रशासन को फिर हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी तक संयम से ही काम लिया जा रहा है। और खास बात इस आंदोलन की है दोस्तों, 6 महीने से ज्यादा यानी करीब 7 महीना करीब लो लाग रही, इतने दिन में कोई अप्रिय घटना या नहीं हुई। क्यों छोटी मोटी है तो रोजगामा में हो ना, लेकिन वहां इतना बड़ा जमावड़ों के बावजूद और इतनी भीड़ में रहते हुए कोई अप्रिय घटना का खास समाचार हमें अभी तक नहीं मिला है। और अब ये है भाई, साल भर हो गया इन कृषि अध्यादेशों को जारी हुए, साल भर बीत चुका है और किसान आंदोलन के भी 2 से 3 दिन पूरे हो लिए हैं। और ई विभाग अगर समाधान की तरफ बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसमें दोनों ही तरफ से है, किसानों को भी चाहिए कुछ नरम रुख अपनाएं और सरकार को भी चाहिए कि ये इस देश के नागरिक हैं, इनकी भी सूद ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों देखना है अब क्या होता है। अब तो ये असमंजस की स्थिति है, किसान अड़े हुए हैं, तीनों कृषि बिल वापिस लिए जाएं, सरकार किसी सूरत में इनको वापिस लेना नहीं चाहती, और किसानों का कहना है कि बड़े पूंजीपतियों के दबाव में आके और करोड़ों किसानों के पेट पर लात मारने की फिराक में सरकार है। और सरकार कह रही है भाई इन कानूनों के लागू होने से किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। सरकार ने 2014 के बाद जो ही भाजपा सरकार बनी उन्होंने कहा था 2022 तक हम ये वायदा पूरा करेंगे कि किसानों की आय दुगुनी हो जाए। तो दोस्तों इसमें तो कोई दो राय नहीं है, दुगुनी तो ये होगी, लेकिन जब तक और चीजों के भाव 4 गुना बढ़ जाएंगे फिर फायदा भी क्या है दुगुनी होने का। जब महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है और अगर वो 2014 के भाव उठाए गए और 2022 में जब महंगाई 4-5 गुना और बढ़ जाएगी फिर वो नहीं कहेंगे दुगुने भाव दे दिए, उससे क्या लाभ होगा। अब देखने वाली यही तो बात है कि सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है और आए दिन बेरोजगारी का आलम यह है कि अब देखना कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो कुछ थोड़े से घटनाएं कम थी, लेकिन ज्यों ज्यों लॉकडाउन में ढील दी जा रही है अब गदर फंड मचा हुआ है, इतने केस लूटपाट के झगड़ेबाजी के मर्डर कहीं डकैती कहीं चोरी कहीं छीना झपटी दुनिया भर के मुकदमे आने लग गए। किसी भी अखबार को आप उठा लो पहली सुर्खियां यही मिलती हैं कि फलां जगह बैंक लूट लिया, फलां जगह बैंक से पैसे निकलवा के बाहर आया था किसान लूट लिया, फलां जगह व्यापारी लूट लिया, फलां जगह पेट्रोल पंप पर डकैती पड़ गई। तो दोस्तों ये लैंड ऑर्डर की सिचुएशन मुझे लगता है ढीले तौर पर चल रही है और पुलिस का काम ज्यादातर या तो भाजपा और JJP के नेताओं की सुरक्षा में लगा हुआ है
और या कहीं ना कहीं फिर सड़कों पर चालान काटने में जुटे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई फायदा होने वाला है। तो कानून व्यवस्था को भी बनाए रखें और सहानुभूति पूर्वक किसानों की ये जो जायज मांग है इसको मान लेना चाहिए, और इसको ज्यादा लंबा खींचने से मैं समझता हूँ कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। आज कर्मचारी वर्ग भी व्यापारी वर्ग भी सारे सरकार से खिलाफ होते जा रहे हैं, और अब राजनीति भी नए नए मोड़ ले रही है। बंगाल के अंदर जो अपने आप को सबसे बड़ा संगठन भाजपा मान के चल रही है, पश्चिमी बंगाल के अंदर उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं अब वापसी हो चुकी है, वो टीएमसी की तरफ नेता आने लग रहे हैं, कुछ तो बड़े नेता आ चुके हैं और बाकी आने को तैयार हैं। वो बात है ना, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, तो ये सारे दीदी को चाहने लग गए हैं। और हो सकता है कुछ विधायकों का एक बड़ा गुट भी बीजेपी को छोड़कर कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे हैं वह टीएमसी में जा मिले, तो देखना है अभी वो कब तक मिलते हैं। और राज्यपाल के भी अलग अलग तरह के बयान आते रहते हैं, किसी और राज्य में तो हम नहीं सुनते कि राज्यपालों के इस तरह बयान आते हैं, लेकिन बंगाल के राज्यपाल जो धनखड़ साहब हैं उनके बयान लगभग हम सुन लेते हैं रोज, कब क्या कहा, तो वहां भी खिंचाई चल रही है। और अब यूपी के अंदर ये जो टीएमसी और बीजेपी का जो मुकाबला था बंगाल में, वहां का जो अनुशासन था वो तो भंग हो चुका है, क्योंकि बीजेपी बिखरने लग रही है। वही हाल उत्तर प्रदेश के नजर आ रहे हैं, हरियाणा भी अभी चुनाव दूर है, लेकिन जो जो चुनाव नजदीक आएगा मैं दिखाऊंगा आपको जेजेपी बीजेपी के भी बहुत से नेता दूसरे दलों में भागने फिराक में हैं। अब वो नहीं बोलेंगे क्योंकि अब राज्य का मजा लेना है और अभी लंबा टाइम है अभी चुनाव के अंदर। जो जो चुनाव नजदीक लगेंगे वो लोगों में घुसने के लिए दूसरे दलों का आसरा तकेंगे और दूसरे दलों में पूरी तरह जाएंगे। आज यूपी के चुनाव नजदीक हैं, यूपी के अंदर मुश्किल से अभी 6-7 महीने बचे हैं सरकार के, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद तो फिर काम कर नहीं पाएंगे। वहां पर ये बखेड़ा खड़ा है नेतृत्व परिवर्तन का, वहां के डिप्टी सीएम और सीएम योगी के बीच में काफी दिनों से तनातनी चल रही है, और केवल भाजपा में ही नहीं उत्तर प्रदेश में तो है ही है। अब राजस्थान का भी हाल देख लो, रोजाना वहां कांग्रेस में, पंजाब के अंदर देख लो आप, वहां भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है, वहां भी गुटबाजी चल रही है, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुट बने हुए हैं, इधर यही हालात वहां हैं सचिन पायलट के और वहां के चीफ मिनिस्टर के, राजस्थान में भी गहलोत साहब के यही हालात हैं। कहीं भी आप नजर मार के देखो कहीं न कहीं बड़ी पार्टियां बेशक हुई है लेकिन अनुशासन नहीं है और न ही किसी का दबाव है, तो यदा कदा लोग कहीं न कहीं ये सिर उठाते ही रहते हैं और बागी तेवर दिखाते रहते हैं। तो आज इतना ही, आगे मैं कुछ और खास बातें आपको लेके आऊंगा। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो और दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करो। ये आपका अपना चैनल है, इसमें हर आपकी आवाज को जनता तक और शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज इतना ही, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अगले एपिसोड का इंतजार करें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।